दाऊद धर्म के मार्ग पे चलता रहा। परमेश्वर ने शेर मरवाया, भालू मरवाया, गोलियत मरवाया, राजा बनाया, फिर पूरे इसराइल का बनाया। ये परमेश्वर का प्लान था। शैतान बीच में आके परमेश्वर के प्लान को खराब करने की कोशिश करता रहा। दाऊद से व्यभिचार हुआ, अपना राजपाट छोड़ के उसे जाना पड़ा, क्योंकि जो अनॉइंटिंग उसको राजा होने के लिए चाहिए थी, जो ग्रेस चाहिए थी, पाप के बाद वो ग्रेस जा चुकी थी। अब उसे उतरना था उस राजगद्दी से। कहने को राजा था पर है नहीं। फिर से उसी पहाड़ पर नंगे पांव वो भागा लिखा, उसी पहाड़ पर नंगे पांव फिरा जहां बचपन में फिरता था ग्रेस आने से पहले। वहां भी उसको श्राप मिले। दाऊद ने कहा इनको मत बोलो कुछ भी। आपको ये बात ध्यान रखनी, शैतान आपको उसी श्रापों में लेके जाना चाहता है, पर वो लेके नहीं जा सकता जब तक आप उसकी हेल्प ना करें। यीशु मसीह ने कहा सूखे हाथ वाले व्यक्ति को अपना हाथ बढ़ा, उसका हाथ पकड़ के चंगा नहीं किया। परमेश्वर का अपना हाथ बढ़ लिखा, जैसे उसने अपना हाथ बढ़ाया वो चंगा हो गया। यानी यीशु मसीह को के साथ कोऑपरेशन करना तब पॉसिबल है मिरेकल होना। उसी तरह शैतान के साथ भी कोऑपरेट करना तब पॉसिबल है कि वो अपनी काम आपकी लाइफ में कर सके। अगर आप कोऑपरेट नहीं करेंगे शैतान के साथ, वो कहेगा दाएं देखा आप बाएं देखेंगे, वो कहेगा आगे देखा पीछे देखेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो पावरलेस है, वो सिर्फ बोल सकता है, कर कुछ नहीं सकता। अगर आप उसके बोले हुए पर विश्वास करेंगे, उसके उसके डराने पर डर जाएंगे तो वो काम कर पाएगा। खुदावन का एक सबसे बड़ा, मैं जिसको सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट मानता हूं,